एजेंडा के मंच पर जो खास मेहमान, तीन खास मेहमान हमारे साथ हैं, उसके बाद मुद्दे के बारे में बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जब सोच जवां होती है तो जज्बा जवां होता है, जज्बा जवां होता है तो जोश जवां होता है, जोश जवां हो तो होश जवां होता है, और जब देश जवां हो तकदीर जवां होती है। तो इन तीन खास मेहमानों से हम जानेंगे इनकी सोच कि यंगिस्तान में इनके हिसाब से कितना दम है। सचिन पायलट हमारे साथ हैं, जो कि संसदीय इतिहास के सबसे युवा सदस्य हैं हमारे साथ। सुरेश रैना हमारे साथ हैं, 18 साल की उम्र में इन्होंने एंट्री मार ली थी इंडियन क्रिकेट टीम में, और 23 साल के हुए नहीं कि पहली बार कप्तान बन गए थे। रणदीप हुड्डा हमारे साथ हैं, इंडस्ट्री आउटसाइडर कहने को, लेकिन जिस तरीके से अभिनय की अपनी एक परिभाषा इन्होंने गढ़ी है वाकई काबिले तारीफ है और ऊंचाइयां हासिल की हैं, तो हम उनसे ही जानेंगे। सबसे पहले हम क्रिकेट की इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जो हमारे देश को जोड़ता भी है, युवाओं को प्रेरित भी करता है। तो सुरेश, आपके हिसाब से यंगिस्तान में क्यों है दम, और आपके हिसाब से आप लोग किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं कि युवाओं के लिए एक मिसाल बनते हैं और ये देश और ज्यादा जवान होते जाता है? बिल्कुल मित्र, से सबसे पहले मैं सब लोगों को हेलो बोलना चाहूंगा, और जैसे आपने बोला कि यंगिस्तान में है दम, और आज हुड्डा जी हमारे साथ हैं और सर सचिन पायलट सर, तो इतना मेहनत किया इन्होंने अपनी लाइफ में, और मेरे लिए लाइफ में एक बहुत ही अच्छा एजेंडा है। मैंने अपने डैड से बहुत कुछ सीखा है क्योंकि वो आर्मी में काम करते थे कश्मीर में, तो इतना फैसिलिटीज़ नहीं होने के कारण मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, और लखनऊ हॉस्टल में जाने के बाद मैंने सीखा है कि लाइफ को कितना पॉजिटिवली जीना है, कितना जोश रखना है लाइफ में, और उसके बाद इतना सारा कुछ मुझे हासिल हुआ है, और गॉड हैज़ बीन रियली काइंड, सारा उन्होंने सपोर्ट करते रहे मुझे। और मुझे लगता है कि अगर यंगिस्तान में है दम और आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं लाइफ में, और एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपके अंदर अगर डिसिप्लिन है, लाइफ में कुछ प्रिंसिपल हैं, और आप रेस्पेक्ट कर रहे हैं सब लोगों का, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। रणदीप, फिल्में भी जरिया होती हैं लोगों को ये सिखाने के लिए, और युवाओं के दिमाग पर, दिलो दिमाग पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अपने क्षेत्र में रहते हुए किस तरीके से आपको लग रहा है कि यंगिस्तान, भारत जैसा देश जो सबसे युवा देशों में से एक है दुनिया में, किस तरह का कंट्रीब्यूशन? जी हेलो एवरीबॉडी, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के यूथ में आज एक जुनून है, एक मोमेंट टू मोमेंट चीज़ें हासिल करने की, ज़िंदगी जीने की एक 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 वो है जो पिछली जनरेशन में नहीं थी, और वो एक एम्बिशियस लाइफ चाहते हैं, लग्जूरियस लाइफ चाहते हैं, उनकी जो उनकी एस्पिरेशंस हैं वो बहुत हाई हैं। उसकी वजह से जैसे मैं एक छोटे शहर रोहतक जैसे शहर में मैं अपने कमरे में फिल्मों के पोस्टर लगा के एक ख्वाब देखता था, और वो मैंने कहीं ना कहीं, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझको सपोर्ट किया, वो ख्वाब मुझे साकार करने की एक चेष्टा थी, और उसको हासिल करने के चक्कर में मेरे से वो सब अपने आप होता गया जो मेरे ख्वाब को साकार कर सकता था। तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के यूथ के ख्वाब बड़े हैं, उनके अंदर रुचि है, कुछ बनने की चेष्टा है, और ऐसे लोगों को मिलाकर, ऐसे यंग लोगों को मिलाकर ही देश आगे बढ़ सकता है। तो आई थिंक लाइक सुरेश वुड से वी आर ऑन अ गुड विकेट, वी आर ऑन गुड विकेट, और वाकई यहां पर इससे बेहतर विकेट और क्या हो सकती है कि एक टीम में इस तरह के सदस्य। और सचिन, चूंकि फिल्म क्रिकेट सबकी बात हो गई, पर राजनीति ही तो है दरअसल जिनकी तरफ हर युवा देखता है। मुझे लगता है कि पिछले 55-60 साल में जो पॉलिटिक्स हुई है, सब लोग पॉलिटिशियंस को, नेताओं के बारे में जो छवि है उसको सुधारने की बात करते हैं, और ये बहुत अनिवार्य है भविष्य के लिए कि हम लोग जन नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पार्लियामेंटेरियंस को, पॉलिटिशियंस को एक अच्छी छवि में देखें, क्योंकि ले दे के देश की दिशा और दशा तय करने की जिम्मेदारी मूलतः है मेरे ख्याल पॉलिटिकल क्लास के ऊपर होती है। और मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 60-65 सालों में इस देश ने जो कुछ भी हासिल किया है उसका कुछ प्रतिशत जो क्रेडिट है उसको इस देश के नेतृत्व को हमको देना चाहिए। और आज हम जिस मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ इतना करोड़ों की आबादी में नौजवान लड़के लड़कियाँ शहरों में गाँव में आज, जैसा सुरेश ने बोला कि वो आगे की तरफ देखते हैं, आज इतना टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं, उसको डिलीवर करने के लिए कौन लोग सामने आएंगे ये बहुत ज़रूरी है। और
जैसे मैंने शुरू में कहा, ले दे के चाहे कोई क्रिकेटर हो या फिल्म स्टार हो, अंततः जाके वो चुनाव लड़ता है, पार्लियामेंट में आता है। हमारे साथ बहुत सहयोगी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स इज एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, उसका सदुपयोग हो और उसमें ऐसे लोग आए अपनी क्षमता से चुनकर जनता के बीच में से उठकर, साफ छवि के लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग अगर आते हैं और आ रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। और जब तक ये संख्या एक क्रिटिकल मास पर नहीं पहुंचेगी, तब तक जो एक कनेक्ट होना चाहिए नौजवान लोगों के अंदर, देश के पॉलिसी मेकर्स के अंदर, वो शायद पूरी तरह हम लोग अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला जो एक दशक है, तमाम बाधाओं के बाद, तमाम चुनौतियों के बावजूद भी इस देश के अंदर जो नौजवानों का दृढ़ संकल्प है, इच्छा शक्ति है, जो काम करने की एक ख्वाहिश उनके मन के अंदर है, सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म और एक सिस्टम हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो देश को, भारतवर्ष को उन चुनिंदा देशों की गिनती में लाकर हम खड़ा कर सकते हैं जो हमारी प्रतिभा है। और इसमें मुझे कोई दोराय नहीं, चाहे लोग कितना ही कुछ भी कहें, इकॉनमी ऊपर हो नीचे हो, पॉलिटिशियंस के बारे में, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है जो मैंने देखा है देश भर में घूमकर, कि देश के नौजवान, शहर और गांव, हर जाति बिरादरी समाज के लोग चाहते हैं कि देश के अंदर उनका विश्वास बढ़े। हम लोगों की जिम्मेदारी है एज पॉलिटिशियंस कि उस विश्वास को तोड़े ना। वाकई बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन यहाँ पर वापस सुरेश, मैं आप पर आना चाहूंगी। हाँ, कि रणदीप ने जिस तरीके से कहा था कि वो पोस्टर्स लगा कर रखते थे, मुझे ध्यान है कि एक इंटरव्यू में आपने भी कहा था कि आप छत पर पोस्टर लगा के सोते थे किसी फास्ट बॉलर का, इससे प्रैक्टिस आप करते थे। लेकिन इससे जुड़ा नहीं, मेरा सवाल यह है कि जब आप ग्राउंड पे होते हैं तब भी तो आप मिसाल होते हैं युवाओं के लिए, क्या यही वजह है कि सुरेश रैना अपना गुस्सा पीकर कई बार बिना स्लेजिंग के खेलता दिखाई देता है? नहीं, ऐसा नहीं है, गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ता है ग्राउंड पे। और जब आप रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को तो पूरा आपको अच्छे से परफॉर्मेंस करना पड़ता है, और गुस्सा जब आप ग्राउंड पे दिखाएंगे तो आपका परफॉर्मेंस थोड़ा इफेक्ट होता है। और मैंने हमेशा सीनियर क्रिकेटर से सीखा है, राहुल द्रविड़ से, वीवीएस लक्ष्मण से और स्पेशली सचिन तेंदुलकर से, वो कभी इतना स्लेस से इतना इफेक्ट नहीं हुए, उन्होंने हमेशा अपने परफॉर्मेंस को ध्यान दिया है। और मुझे भी लगता है कि मुझे गुस्सा आता है, बट मैं जब अच्छा खेलता हूँ तो ग्राउंड में या रूम में जाके मैं गुस्सा कुछ दोस्तों से कर लेता हूँ या फैमिली में किसी को डांट देता हूँ तो चलता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे पूछूं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग एक सवाल जरूर जानना चाहेंगे, सचिन का नाम आपने लिया था, युवा जब टीम में अंदर आ रहे हों तो क्या सीनियर्स को बाहर जाना चाहिए, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल, अगर देखें तो पॉलिटिशियन और क्रिकेटर्स का काफी अच्छा रिश्ता रहा है। अभी सचिन तेंदुलकर एमपी हैं और अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि सचिन पायलट सर भी हमारे साथ आए, कभी मैचेस खेलें और प्लेयरों के साथ। लेकिन अभी सब बच्चों को देखते हैं और एज ए यंग क्रिकेटर मैं काफ़ी उनके साथ मैंने टूर्स किए हैं और मुझे अब मेरा टेस्ट डेब्यू उनके साथ हुआ है, और जितने अच्छे वो क्रिकेटर हैं उससे अच्छे इंसान हैं। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि अभी काफ़ी कुछ डिबेट चल रहा था उनके रिटायरमेंट के लिए और सब लोग बोल रहे थे, अभी लास्ट इनिंग में उन्होंने 80 रन बनाया है, और मुझे लगता है कि उनकी टीम में रहने से काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है प्लेयर्स को और एक जोश मिलता है, वो वर्ल्ड कप में आपने देखा ही होगा। चलिए, युवा वही जो सोचे युवा की तरह, वाकई। चलिए, कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने aajtak.in पर लॉग ऑन करके सवाल छोड़े हैं। रणदीप, एक सवाल आपके लिए है, सौम्या भारती हैं भोपाल से, जिन्होंने कहा कि क्या फिल्मों में पहले की तुलना में अब ज्यादा हकीकत दिखाई जाने लगी है, आपकी नजर में क्या युवा अब रियलिटी शो देखना ज्यादा पसंद करने लगे? देखिए, पहले तो मैं आपकी गुस्से वाली बात पे छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा कि सुरेश को गुस्सा कंट्रोल करके सक्सेसफुल बनना है, हम वो कितना गुस्सा दिखा सकते हैं और कितनी रियली दिखा सकते हैं रियलिटी से, उस पर तालियां मिलती हैं। तो फिल्में रियलिज्म की तरफ जा रही हैं, एक जो बॉलीवुड मसाला एंटरटेनमेंट के अंदर फैक्शंस बंट रही हैं, जहां पे लोग अपने आप को एक लोकल रिप्रेजेंटेशन जो फिल्मों में मिल रहा है लोगों को, जहां पे वो फिल्म में जाके देखते हैं कि भैया तो हमारे जैसे लोग हैं जो केवल कन्वर्टेबल कार्स में घूमने वाले, NRI डिस्को में डांस करने वाले लोग नहीं हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनको शायद हम जानते हैं, जिनका एक हिस्सा हमारे अंदर भी है। तो उसके चलते तो फिल्मों में बहुत रियलिज्म आ गई है। जहाँ तक कि रियलिटी शोज़ का सवाल है, पहली बात तो मेरा ये मानना है कि वो ज़्यादा रियल नहीं होते हैं, वो स्टेज्ड ही होते हैं, उनको एक फीलिंग दी जाती है रियलिज्म की, और उसमें आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। आई थिंक पीपल एंजॉय इट बिकॉज इट्स फ्री, इट्स होम, यू नो, आपके घर में टीवी में आ रहा है। पर एक सिनेमा में जाके दोस्तों के साथ, ग्रुप के साथ या फैमिली के साथ जाके फिल्म देखना और वहां पे अपने आप को देखना, मेरे ख्याल से वो तो कम होएगा ही नहीं।
सिर्फ युवा देश नहीं है, ये एक बहुमुखी देश भी है, क्योंकि अगर क्रिकेटर एमपी है तो एमपी रियलिटी शोज में भी जाता है सचिन। हालांकि हमारे दर्शकों ने टिप्पणी की है खूब कि युवाओं के नाम पर खूब राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति में परिवार के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। मैं आपसे जानना ये चाहती हूँ कि राजनीति में आना आपका नेचुरल चॉइस था या फिर एक कमिटमेंट था देश की तरफ? एक उस उम्र में आप आए थे जहां पर लोग सोचते नहीं है उमन कि मैं पहुंच जाऊं संसद में, कुछ बदलूं। अब बहुत साल हो गए हैं सवाल को मुझे पूछा गया है और मैं बहुत बार इसका जवाब दे चुका हूं, लेकिन मैं सिर्फ अपने लिए बोल रहा हूं, मैं बाकियों के लिए नहीं बोल सकता हूं। राजनीति में आना ना आना एक व्यक्तिगत निर्णय है, और जब मैंने राजनीति में प्रवेश करने का अपना मन बनाया था तो उस वक्त मेरे पर कोई दबाव नहीं था या कोई ऐसा नीजक रिएक्शन नहीं था कि मुझे जज्बाती होकर कुछ काम करना था। मेरे फादर की डेथ होने के लगभग 4 या 5 साल के बाद मैं राजनीति में आया था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे पहले मैंने प्राइवेट कंपनीज में काम किया और मुझे भगवान की आशीर्वाद से बहुत अच्छी शिक्षा मिली, बहुत अच्छी तालीम मैंने ली। लेकिन मैं जानता था कि मैं जो मेरे अनुभव हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस मैंने बचपन से आज तक देखा सीखा है, उसका सबसे ज़्यादा उपयोग अगर मैं कर सकता हूँ तो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर सकता हूँ। मैंने अपने जीवन में जब मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता था तो बहुत सी पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाई, बहुत प्रेजेंटेशन दी, बहुत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मनाया, बात बातें करी, लेकिन जो पावर पॉलिटिक्स के अंदर है बदलाव लाने की जो क्षमता इस क्षेत्र में है, उसका अगर आप सही तरीके से उपयोग करें तो आप देश का कायाकल्प कर सकते हैं। और मुझे लगा कि जो मेरे थोड़े बहुत जो जो एकाध गुण होंगे उसका सबसे ज़्यादा मैं प्रयोग इस प्लेटफॉर्म पे कर सकता हूँ, तो बहुत सोच समझकर मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया मैं इसमें आने की कोशिश करता हूँ। और फिर जनता के ऊपर है, देखिए आप चाहे कुछ भी, आज हम में से बहुत राजनेता हैं जो बड़े एम्बिशियस हैं, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन जब तक जनता जनार्दन का आशीर्वाद नहीं है तब तक आप सरपंच भी नहीं बन सकते। तो इसलिए लोगों के बीच में जाकर अपनी बात हमने बोली, लोगों ने जिताकर भेजा, और एक बार नहीं दो बार लोगों ने जिताकर भेजा, और उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना मेरी पहली प्रायोरिटी है जहां से चुनकर मैं आया हूं। उन लोगों के जीवन को अगर मैं बेहतर नहीं कर सकता हूं तो कोई कारण नहीं कि हम लोग पार्लियामेंट असेंबली में बैठे। तो वो अगर एक संतुष्टि के साथ उस काम को अगर हम कर सकें तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने काम में कुछ हद तक सफल हुए। उसके बाद तकदीर है, इन्वायरमेंट है, पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जनता के साथ बनाकर रखना, आत्मीयता का, विनम्रता का और एक सच्चाई का, वो अगर पॉलिटिशियंस करते हैं चाहे किसी एज ग्रुप के हों, किसी पार्टी के हों, तो लोगों के दिलो दिमाग में जगह बना सकते हैं। बाकी तो लोग आते हैं चले जाते हैं, परिवार वाले भी गैर परिवार वाले भी, कब किसका तारा चमक गया किसी को मालूम नहीं, लेकिन लोगों के बीच में पैठ बनाए रखना मैं समझता हूँ सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे नेसेसरी एक स्टेप है। देश युवा की सोच अगर ऐसी हो तो वाकई चाहे वो राजनेता हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे अभिनेता हो, देश तो बदलेगा ही जरूर। सुरेश, क्रिकेट में थोड़ा सा अलग हो जाता है, राजनीति की जो उम्र होती है वो क्रिकेट से थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पर आपने 18 साल में अपना डेब्यू किया था, अभी तक जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी लगाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं, इकलौते भारतीय हैं, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी अगर हम बात करें चुनिंदा ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया होगा। इसके बावजूद जब ये ठप्पा लग जाता है, यंगस्टर है, T20 खेलता है, T20 ही अच्छा खिलाड़ी है, किसी यंगस्टर के ऊपर ये ठप्पा नहीं लगा कि टेस्ट खिलाड़ी है, शायद अभी मौजूदा टेस्ट टीम को अगर हम चेतेश्वर पुजारा को अलग हटा दें, लेकिन एक ठप्पा इस तरीके से लगा देना, ये एक युवा खिलाड़ी होने के तौर पर थोड़ा सा आपको इरिटेट करता है, फ्रस्ट्रेट करता है? नहीं, इरिटेट नहीं करता, मैं काफी सालों से खेल रहा हूँ, मेरा डेब्यू 2005 में हुआ था, मुझे पता है कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा तो मेरी क्रिकेट के लिए अच्छा रहेगा, और इंडिया के लिए कोई भी मैच खेलूंगा मैं, चाहे वो 20 हो, 50 ओवर्स हो या टेस्ट क्रिकेट हो, मेरे लिए वो अच्छा है एज लॉन्ग एज मैं कंट्री के लिए खेल रहा हूँ। लेकिन जैसे आपने बोला कि वो ठप्पा लग जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई प्लेयर होगा जिसको लोग ही उसको प्लेयर बनाते हैं, फैंस इतनी सारी दुआएं करते हैं उनको प्लेयर बनाते हैं, और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा तो जब मैं रिटायर होऊंगा टेस्ट क्रिकेट से तो मुझे अपनी परफॉर्मेंस से काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने इंडियन टीम को टेस्ट मैच जिताया या मैंने अब्रॉड जाके 100 बनाया। तो वो रहता है प्लेयर का अपना पर्सनल चॉइस है, उसको 2020 खेलना है तो वो खेले, क्योंकि जो 2020 गेम है ये मनोरंजन है, काफ़ी लोग जाते हैं ऑफिस से घर वो स्विच ऑन करते हैं, आईपीएल है और चैंपियंस लीग स्टार्ट हो रहा है, जब भी मैचेस होते हैं तो वो इन्जॉय करते हैं। तो बीसीसीआई को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कैसे टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग करना है, और वो काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी, और अगर आप देखेंगे 2020 क्रिकेट खेलने के बाद टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अभी बॉम्बे में रिजल्ट मिला हमें, अहमदाबाद में भी काफ़ी क्लोज हुआ मैच, तो इतने सारे मैचेस अगर 2020 में सब बैट्समैन अलग खेलते हैं, वीरू ने 100 टेस्ट मैच खेले हैं, वो अपनी तरीके से ही खेलते हैं, उन्होंने 2 ट्रिपल 100 बनाए, तो एक प्लेयर का अपना पर्सोना होता है, एक प्लेयर का अपना अप्रोच होता है खेलने का, और
मुझे लगता है कि मैं अटैक करके अगर अच्छा डोमिनेट कर सकता हूँ दूसरी टीम को, तो वो मेरा तरीका है खेलने का। रणदीप, आपने अपने शुरुआत के दिनों की बात की, बहुत संघर्ष से भरा था। जनरली होता है कि इंडस्ट्री में अगर कोई आपका माए बाप हो, अगर आपकी फैमिली हो, उस तरीके से आपको सपोर्ट मिल जाता है, फिल्में मिल जाती हैं। आपका दौर भी स्ट्रगल का लंबा चला था क्या? कई दफा जिस तरह की डिग्रीज आपके पास हैं, खासकर जो एजुकेशनल डिग्रीज आपके पास हैं, जिस तरीके से आपने बैचलर्स किया है, आपके पास मास्टर्स की डिग्री है मार्केटिंग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी जी जी, तो उसके बाद यहां पर बने रहने का जो जज्बा था, क्या वो किसका नतीजा था? वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नतीजा ये था कि मैंने काफी पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं एक्टर ही बनूंगा। अगर आप छोटी एज में आप डिसाइड कर लें, देखिए मैं ना ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी चलाता था जब मैं वहां पढ़ रहा होता था, तो ये बात मैंने पहले भी काफी शेयर की है। तो मेरी टैक्सी में हर प्रकार के लोग आके बैठते थे, स्पोर्ट्स स्टार, ड्रग एडिक्ट्स, बिग कंपनी ओनर्स, ये वो। उन लोगों को मैं देखता था कि वो उनमें से खुश कौन है, उनसे बातचीत करता था। तो जो जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा था वो नेसेसरली खुश नहीं थे, वो लोग सबसे ज्यादा खुश थे जो वो करते थे जो इनका दिल चाहता था और वो उनका व्यवसाय भी था। तो वो चीज मैंने बहुत पहले डिसाइड की कि भाई तेरा दिल क्या कहता है, तुझे किस काम में मजा आएगा। तो मैं जब काम करने लगा तो वो मेरे लिए काम नहीं था, वो मेरी रुचि थी। अगर आप रुचि को फॉलो करें तो वो आपके लिए कभी काम नहीं रहता। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा कोई अचीवमेंट तीर मारा है, अभी बहुत कुछ करना है, माय एम्बिशन आर मच मोर। पर अगर आप काम को बोझ की बजाय रुचि की तरह से लें, मेरे ख्याल से मेरा तो वही एक सक्सेस मंत्रा है। और एक पॉइंट था जब कोई इनिशियल सक्सेस के बाद कोई फिल्मों में नहीं ले रहा था और 2-2.5 साल तक मैं घर बैठा, उस दौरान मैंने डिसाइड किया कि यार पहले तो अपने आप को अंदर से झंझोड़ो और देखो कि क्या आप सही में एक्टर ही बनना चाहते हो। सो दैट टाइम आई थिंक बहुत सारे लोग, क्या होता है, बहुत सारे यंगस्टर्स एक करियर में एक पीयर प्रेशर, समटाइम्स फैमिली प्रेशर, समटाइम्स और हर तरह की चीजें होती हैं, हर की फैमिली में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से वो एक जॉब, एक व्यवसाय चूज कर लेते हैं। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि वो शायद उनकी कॉलिंग नहीं थी, तो फिर वो एक ड्रजरी, एक जॉब बन जाती है और एक्सीलेंस आप नहीं अचीव कर पाओगे कभी। तो मेरे ख्याल से आज हिंदुस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, सिर्फ 90%+ वालों को ही सक्सेस नहीं मिल रही है, वो मैं भी कभी नहीं था। तो एक रियलाइजेशन आ रही है कि और भी वोकेशंस हैं, और भी जॉब्स हैं, और भी तरीके हैं एक काम करने की। पर आपको एक्सेलेंस तभी मिलेगी जब आपकी रुचि आपके काम में होगी और वो आपका पैशन होगा, नहीं तो आप ना आप सस्टेन कर सकते हैं, ना ही आप कुछ अचीव कर सकते हैं, ना ही आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सचिन, यही आपकी खासियत भी है कि आपने चूज किया इसे। आपके पास भी बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो आप कर सकते थे, लेकिन आपने सोचा कि नहीं, मुझे देश बदलना है, मुझे तकदीर बदलनी है, मुझे सब कुछ बदलना है। एक सवाल आपके लिए वेबसाइट पर हमारे यहाँ, मैं आपसे ये जरूर इसलिए पूछना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत आज के संदर्भ में बहुत अहम है। ये असलम खान है सहरसा बिहार, पूछ रहे हैं कि देश के नेता भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर क्यों नहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं की राय मान लेते हैं? क्या देश के नेताओं को भ्रष्टाचार से लड़ने की ताकत नहीं है? ये देश के युवा हैं जो एक युवा नेता की राय जानना चाह रहे हैं। कि देश के सामने बहुत अनेकों चुनौतियां हैं और हाल ही में आप और हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। सब लोगों की आम राय है कि इससे मुकाबला करना है, इसको जड़ से ख़त्म करना है। किसका रास्ता सही है, किसका रास्ता गलत, ये इतिहास बताएगा। लेकिन अगर हम सब लोग जो पॉलिटिकल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इसमें अनेकों पार्टियां हैं संसद के अंदर, संसद के बाहर, किसकी राय सही है, और कोई अगर जो हमारी प्रणाली है, प्रजातांत्रिक प्रणाली है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा एक फ्रेमवर्क है, उस सिस्टम के तहत रहते हुए हम लोग बदलाव अंदर से ला सकते हैं। और मुझे लगता है भ्रष्टाचार सिर्फ कोई पॉलिटिकल फील्ड से लिमिटेड नहीं है, वो अब लगभग समाज के हर तबके तक पहुँच चुका है। और उसको जब तक हम एक सामाजिक बदलाव के तहत, जैसे हम लोगों ने अशिक्षा है, गरीबी है, उस प्रकार भ्रष्टाचार को एक्सेप्ट कर
इंटरनली हम लोगों को उसको बाहर निकालना पड़ेगा. कितने भी हम लोग कानून बना लें, कितना भी हम लोग सरकारी आदेश जारी कर दें, लेकिन नीचे से ऊपर तक जब तक सब लोगों का संकल्प नहीं होगा तब तक हम इसमें पूरी तरह कामयाब नहीं होंगे. लिप सर्विस दे देना, भाषण दे देना, या किसी टेलीविजन पे अखबार में जाके बोल देना हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर जो रोजमर्रा की दिक्कतें आम व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं उसका निराकरण करने के लिए हम लोगों को सबको मिलकर ही काम करना पड़ेगा. इसमें किसी एक व्यक्ति की या किसी एक दल की या किसी एक सरकार की बात नहीं हो सकती. और मेरा ये मानना है कि इस देश के अंदर 120 करोड़ लोग रहते हैं, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, जनता किसको वोट देगी नहीं देगी ये कोई नहीं जानता है, लेकिन ये देश पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा है. इस देश पार्लियामेंट में आज लगभग 40 पार्टीज हैं. अगर देश एक रहेगा, मजबूत रहेगा, तभी पॉलिटिकल पार्टीज की रेलेवेंस है, तभी एनजीओज की रेलेवेंस है, तभी समाज की रेलेवेंस है. अगर हम आपस में इतना तकरार पैदा कर लेंगे कि एक दूसरे से संवाद टूट जाएगा, एक दूसरे की बात हम लोग बंद कर देंगे, और ये खूबी थी आज़ादी के बाद 10-20 साल तक हर नेता ने, हर दल ने, हर सोच के व्यक्ति ने एक दूसरे के आसपास बैठे लोगों से बात करना, संवाद करना, डायलॉग कंटिन्यू करना वो रखा था. आजकल हम देखते हैं कि वो संवाद खत्म हुआ है. पॉलिटिशियंस, बिजनेस, एनजीओज, समाज सेविक, नौजवान लोग, लिटरेरी वर्ल्ड के लोग, अगर आपस में हम लोग इस देश की बढ़ोतरी के लिए एक राय नहीं बना सकते हैं तब हम लोगों के पास कोई ये राइट नहीं कि हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें. और एज पॉलिटिशियंस पहली जिम्मेदारी हमारी बनती है लीडिंग बाय एग्जाम्पल. लेकिन इसमें जब तक सब लोग साथ नहीं होंगे और सिर्फ इसमें उंगली उठाकर या कीचड़ उछाल कर एक दूसरे की बुराई कर कर थोड़ी बहुत तालियां बटोर लें या थोड़े बहुत वोट बटोर लें, ये लॉन्ग टर्म में किसी को फायदा देने वाला नहीं. इसलिए मैं, जैसा मैंने शुरू में कहा, अगर खुद पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे लोगों को चुनाव में उतारेंगी, अच्छे लोग पार्लियामेंट में जाएंगे, स्वाभाविक रूप से हमारे देश के अंदर जो ढांचा है उसको हम अंदर से बदल सकते हैं. ये कोई एक दिन में, दो महीने में, छह महीने में नहीं होने वाला है, लेकिन एक काम पर अगर शुरू करेंगे तो मुझे विश्वास है कि हमारे देश का समाज, हमारे देश की पॉपुलेशन हमको प्रेरित ही नहीं करेगी, हम पर इतना दबाव बनाएगी कि हम इस सिस्टम को बदल सकें. वाकई सुरेश, जब हम क्रिकेट की बात और देखता है पूरा देश, तब चाहे दुख हो, दर्द हो, कोई भी चीजों से उबरने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम की एक जीत चाहिए होती है. उसी तरीके से जब मैच खेल रहे होते हैं खिलाड़ी या ऑफ द फील्ड होते हैं, पार्टीज करना, ये माना जाता है कि पार्टीज अगर करते हैं तो देश का युवा बिगड़ सकता है. इन चीजों को देखकर, अगर रेव पार्टी की जैसी बात हो गई थी हाल के दिनों में, इस तरह की चीजें हुई थी, कुछ निकल कर सामने आया था, कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, उन्हें देखकर, ये सारी वो चीजें हैं जो कई बार गलत मिसाल के तौर पर खड़ी हो जाती हैं. एक क्रिकेटर के नाते कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जब आप देखते हैं कि देश का युवा जो है वो आपको देख रहा है. बिल्कुल, प्लेयर की अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है कि उसको पार्टी करना अच्छा लगता है वो पार्टी करे. मेक श्योर कि वो सुबह जब ग्राउंड पे आए तो उसका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए और गेम के लिए उसकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए. लेकिन आप पार्टी कर रहे हैं अगर, तो मुझे नहीं लगता कि सुबह आप फ्रेश रहेंगे. आप पॉइंट पे बॉल जाएंगे तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, डायरेक्ट थ्रो मारना स्टंप पे तो आपकी आंखें थोड़ी इधर उधर होंगी. तो मुझे लगता है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल क्रिकेटर आपको अगर क्रिकेट खेलना है तो मेक श्योर कि आपका आपका टूवर्ड्स आपकी जो जो एटीट्यूड है ग्राउंड पे वो हमेशा 200% होनी चाहिए. 100% इसलिए नहीं बोलता क्योंकि आजकल बहुत सारे मैचेस होते हैं, इतने सारे यंग प्लेयर आ रहे हैं जो हमेशा अच्छा कर रहे हैं. अगर आप 200% करेंगे, अगर 110% या 120% भी देंगे तो आप दूसरों से डिफरेंट दिखेंगे ग्राउंड पे. और आपने जैसे बोला कि पार्टी में काफ़ी प्लेयर, अभी बीच में जो रिसेंटली हुआ था वो साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे और जो बेचारा राहुल था वो बहुत इनोसेंट क्रिकेटर है. मैं उसके साथ खेला हूँ, मुझे पता है कि वो सब नशा वो सब नहीं करता है. ही बिलोंग्स टू वेरी पुअर क्लास फैमिली और उन्होंने काफ़ी मेहनत की है अपने क्रिकेट कैरियर के लिए. और ये जो दूसरे प्लेयर आते हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे जितने यंग क्रिकेटर हैं उनके साथ अगर उनको खेलना है तो मेक श्योर अच्छी चीज़ें भी उनको सिखाएं. हमारी चेन्नई सुपर किंग्स में काफ़ी अच्छे सीनियर हैं, जैसे माइकल हसी है, उनसे अच्छी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है. और लाइक ए सेड अर्लियर कि ये प्लेयर का अपना पर्सनल चॉइस, अगर उसको पार्टी करनी है या उसको कंट्री के लिए खेलना है, क्योंकि उसके बाद आपके टूर्स होते हैं, वेस्ट इंडीज़ होता है, इंग्लैंड जाना होता है, तो उस लंबे टूर्स फ्लाइट्स के लिए आपको फ्रेश होना पड़ता है, नहीं तो दो दिन के बाद आपको मैच खेलना पड़ता है. तो मुझे लगता है कि ये पर्सनल चॉइस है प्लेयर. यानी आईपीएल बिगाड़ता नहीं है? बिल्कुल नहीं बिगाड़ता. मैं खुद अपना आईपीएल से मैंने इतना अच्छा अपना नाम कमाया है, एट द सेम टाइम मुझे इतना पैसा मिला है तो आई कैन लुक आफ्टर माई फैमिली. मेरे घर में इतना पैसा नहीं था कि मैं दिल्ली से गाजियाबाद से कभी दिल्ली नहीं गया खेलने. फर्स्ट टाइम लखनऊ में गया. आज लोग कोचिंग करते हैं मंथली, उनको 5,000 रुपीज़ देते हैं कोचेस को, तो उस टाइम मैं 5,000-10,000 मेरे डैड की तनख्वाह थी तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता. तो अभी आईपीएल में इतना पैसा मिल रहा है तो मैं अपने सिस्टर को, उनके हबी को लुक आफ्टर कर सकता हूँ और एट द सेम टाइम मैं अपने मॉम डैड को किसी वोकेशन पर लेके जा सकता हूँ जब मुझे, और जब मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, वाइफ होंगे, तो उनको लुक आफ्टर कर सकता हूँ.
पूरी दुनिया में आईपीएल में अगर किसी ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं तो वो सुरेश रैना ही है। हमारे साथ जितने सारे गेस्ट बैठे हैं यहाँ पर उनमें से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जी पवन जी, पवन जी मैं पवन सिन्हा हूँ। आप तीनों ही देश के सितारे हैं, आप तीनों को ही नमस्कार। सचिन जी आपसे मेरा एक प्रश्न है, यद्यपि आप उस तरह से नहीं हैं लेकिन फिर भी प्रश्न मेरा है, आपके माध्यम से ये सत्ता के ऊंचे गलियारों तक पहुंचेगा तो अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता ऑन द कॉन्ट्रेरी जो आप तीनों ने बातचीत की, दो किस्म के युवा हैं, क्योंकि सौभाग्य से पिछले अनेक वर्षों से मैं देश के युवाओं के लिए कार्य कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो दो किस्म के युवा हैं। एक तो ऑफ बीट हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं जैसे आप लोग, एक है बेहद नॉर्मल लोग, सामान्य युवजन जो लगभग देश का 70-75% है युवा पॉपुलेशन का। ऐसा नहीं लगता कि हम लोग उन्हें केवल प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसा नहीं लगता क्या कि देश में यूथ पॉलिसी नहीं है, जो देश की 69% पॉपुलेशन है उसके लिए कोई बेहद सटीक कोई पॉलिसी नहीं है? ऐसा नहीं लगता कि हम देश के बिहेवियरल इशू, देश के युवाओं के बिहेवियरल इश्यूज पर सोच नहीं रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पर हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, कारगर क्रियात्मक जो इफेक्टिव हो फंक्शनल पॉलिसी उनके लिए कोई नहीं है? क्या ऐसा नहीं लगता कि हम देश के युवाओं को पश्चिमी तर्ज पर इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की तरफ या डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ तो लेके जा रहे हैं लेकिन उनके अंदर नॉलेज सब्ड्यू नहीं कर रहे हैं? ये मेरे कुछ खास प्रश्न है आपसे। आपने मुझसे पूछा सिन्हा जी, मैं आपने लंबा सवाल किया, मैं संक्षिप्त में जवाब देता हूं आपका। पहली बात तो ये कि इस देश में हम कितनी पॉलिसी बनाएंगे, कितने कानून बनाएंगे, वो इतिहास चलता आ रहा है। और आपका जो प्रतिशत है थोड़ा गलत है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप दो तरह के युवा बोले, ये बात सही है कि ये भारत भी दो तरह का हो गया है, एक संसाधन वाला, अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने वाले, अच्छे कपड़े खाना पहनने वाले, और दूसरे जो ग्रामीण क्षेत्र गांव देहात में रहते हैं। लेकिन एक फर्क देखिएगा आप, आज से 25 साल पहले जो लड़के लड़कियां डॉक्टर इंजीनियर आर्किटेक्ट लॉयर बनते थे उनमें उतनी ही अकल उतनी ही क्वालिफिकेशंस थी जितनी आज के लोगों में है, नौजवानों में। लेकिन एक फर्क आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो टेलीविजन के एंकर हों, चाहे वो क्रिकेटर हों, चाहे वो फिल्म के एक्टर हों या पॉलिटिशियन भी हों, आज से 20 साल पहले जो नौजवान था 20-25 साल का, उसके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं था, वो कॉन्फिडेंस नहीं था। आज का नौजवान जब लंदन यूरोप अमेरिका जाता है तो वो भयभीत नहीं होता कि मैं इन लोग के सामने क्या बोलूंगा, मेरे मैं देखने में ठीक हूं कि नहीं, मेरी अंग्रेजी ठीक है कि नहीं। आज का जो भारत का नौजवान है जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है उसके अंदर इतना आत्मविश्वास है कि वो दुनिया के किसी व्यक्ति को चुनौती दे सकता है। आज से 25-30 साल पहले हम लोग झेपते थे, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम जाके दुनिया में कम्पीट कर सकें। वो बदलाव इसलिए आया क्योंकि देश ने तरक्की करी है। और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जो ग्रामीण आदर में लोग रहते हैं उनको किसी की दया नहीं चाहिए, उनको कोई पॉलिसी नहीं चाहिए, उनको दो चीज़ें चाहिए, एक अच्छी शिक्षा, कॉलेजेस स्कूल यूनिवर्सिटीज वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल्स, अगर आप उनको वो दे दें। दूसरा रोजगार के लिए अवसर प्रदान करें, जॉब क्रिएशन करें, और उनको खुला छोड़ दीजिए। आज का नौजवान को आप डंडा देके बताइए कि आपको इस रास्ते पर चलना है, ये पढ़ाई करनी है, खाना खाना है, तो ना तो वो मेरी सुनेगा ना आपकी सुनेगा। उसको तो खुला छोड़ दे उसकी क्षमता पर, उसकी कार्यकुशलता पर, उसकी अपनी जो एबिलिटीज और टैलेंट हैं, अगर उसको हम प्लेटफॉर्म दे दें, शिक्षा दे दें और अपनी प्रतिभा को जाहिर करने का उसको खुला एक वातावरण निर्माण करके दे दें, उसको और कुछ नहीं चाहिए। उसमें हम लोगों के अंदर कमी है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि जो आधा देश का नौजवान है वो आज भी मेन स्ट्रीम से जुड़ा नहीं है, उसके अंदर वो विजन नहीं है, वो एक्सपोजर नहीं है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उन लोगों की मदद अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम अपने देश के भविष्य को कोई बहुत बढ़िया जगह ले जाने की बात नहीं करते हैं। और हम कितना भी निवेश करें, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, जब तक इस देश के नौजवान को जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, वो डिविडेंड तब मिलेगा जब अगर हम उसको लायबिलिटी ना बनने दें। अगर वो लोग देश में जो नौजवान व्यक्ति है आज से 10 साल तक ना वो पढ़ सका ना नौकरी मिली, कितना फ्रस्ट्रेशन उसको होगा। दुनिया भर के वाद शुरू होंगे, माओवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, ये तब होता है जब फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। उनको सिर्फ अवसर, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल, जॉब अपॉर्चुनिटी हम लोग दे दें, इतना कर दें तो देश 21वीं सदी का जो भारतवर्ष बनेगा वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सबसे ताकत देश बन सकता है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। रुख सकारात्मक होगा तो
आगे भी सब कुछ सकारात्मक। नमस्कार, मेरा नाम रागिनी नायक है और मेरा सवाल आप तीनों लोगों से है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि भारतवर्ष में 60% से ज़्यादा जनसंख्या है वो युवाओं की है, और युवाओं के जोश जुनून और जज्बों की मिसाल तो आदिकाल से दी जा रही है। लेकिन उन तीनों क्षेत्रों में जिसका आप लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज, क्या आपको लगता है कि युवाओं को आज भी अपनी जगह बनाने के लिए, अपने पैर जमाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है? तीनों खानों का वर्चस्व है बॉलीवुड में। हाल फिलहाल में हमने देखा कि द्रविड़, लक्ष्मण और तेंदुलकर तीनों की रिटायरमेंट के बहुत चर्चे रहे, और ये कहूँगी कि पॉन्टिंग की रिटायरमेंट के साथ सचिन तेंदुलकर पर फिर से वो आक्षेप लगा, और राजनीति में रिटायरमेंट की बात तो बहुत सालों से की ही जा रही है, और इसी के साथ साथ जब भी कैबिनेट रिशफल होता है तो गिना जाता है कितने युवा मंत्री उसमें शामिल हुए। तो क्या आपको ऐसा लगता है, और अगर लगता है तो क्यों, और इसका क्या समाधान हो सकता है? नहीं, आपने क्रिकेट की बात की तो लक्ष्मण गांगुली और राहुल भाई और फिर सचिन अभी खेल रहे हैं, तो वो अगर उनको खेलना अच्छा लग रहा है, क्योंकि दूसरी टीमों का परसेप्शन बहुत अलग होता है उनके प्लेयरों का। और जैसे आपने बोला कि इतना कंपटीशन है आजकल यंग जनरेशन में, इतने सारे लड़के परफॉर्मेंस करते हैं ग्राउंड पे, उनको टीम में जगह बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि कोई भी क्रिकेट अगर आप खेल रहे हैं तो कोई आपका गॉडफादर नहीं है, आपको रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है, उस हिसाब से आपको परफॉर्मेंस करना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छा सवाल ये पूछा कि उस चीज़ को कैसे समाधान कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और जो यंग प्लेयर हैं उनको एक अपने लाइफ में, जैसे सर ने बोला था पहले कि उनको रुचि जिस चीज़ में है, पैशन ऑफ क्रिकेट है, उसमें उनको पूरा अच्छे से इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ेगा, और अपने आप से डिसिप्लिन रहेंगे, अपने आप से ऑनेस्ट रहेंगे तो आप अचीव कर सकते हैं। देखिए, ये जो आपका भी सवाल था पहले और आपका भी सवाल है, आप जो युवा की बातें कर रहे हैं कि युवा कोई जानवर नहीं है, युवा हम सब लोगों को मिला के ही एक युवा एक चीज बनती है। जैसे लोग बोलते हैं बॉलीवुड में, ये बॉलीवुड कोई जानवर नहीं है, कोई उसमें अलग अलग लोग हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं, अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चेष्टा आप किसी को बांध के दे नहीं सकते, जैसे सचिन जी ने कहा पहले, तो वो एक इंडिविजुअल थिंग है। और अगर आप एज एन इंडिविजुअल अपने आप को एक्सेलेंस और उसकी तरफ लेके जाएंगे तो वही कुल मिलाकर देश को ऊपर उठाएगा। अब उसका साधन क्या है, ये क्या है, हमारी बातों से कितना फर्क पड़ेगा, वो डिबेटेबल है। बट जहां तक कि आप बोल रहे थ्री खान्स और ये वो, देखिए Nobody owes you anything. आपको कोई, आपके खुद के ऊपर है। अगर मैं अब यहां बैठ के बोलने लग जाऊं यार ये तीन खान इन्होंने ही सारा मार्केट लिया हुआ है और मेरे को चांस नहीं मिल रहा, ये नहीं कर रहा, सो दैट्स अ लूजर एटीट्यूड। आप दूसरों पे कम ध्यान देके खुद की तरफ ध्यान दीजिए कि मैं अपने आप को इतना बेहतर कैसे बनाऊं, मैं अपने आप को इतना ऊंचा कैसे उठाऊं कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रितुल भी एक सवाल पूछना चाहती हैं। रितुल, युवाओं की बात हम कर रहे हैं, युवा शक्ति की बात कर रहे हैं। सचिन जी, आपसे मेरा सवाल है, युवाओं की कांग्रेस पार्टी में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक युवा सबसे भारी पड़ जाता है, राहुल गांधी। क्या आप लोगों को, या आप जैसी आपकी श्रेणी के जितने नेता हैं, उनको कभी ऐसा लगा कि आपकी राह में वो एक रोड़ा है? पहली बात तो आपने सवाल पूछा, आप भी पूछ रहे थे रिटायरमेंट की बात कर रहे थे, मैं उस पर एक लाइन बोलना चाहता हूँ। क्रिकेट में कोई 35-36 साल में फिर सवाल उठते हैं रिटायरमेंट, कब रिटायर होंगे, वो उनका एक एक दिन की गिनती होती है। और पॉलिटिक्स में कोई 40 साल का एमपी बन जाए तो उसको अभी युवा बोलते हैं कि नौजवान व्यक्ति आ गया है। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि इस कार्यक्रम में आपने आज तो बुला लिया मुझे, लेकिन मैं भी 2-3 साल का मेहमान हूँ, उसके बाद आप भी मुझे इस कार्यक्रम में बुलाना बंद कर देंगे। दूसरी बात, नौजवानों की हर पार्टी के अंदर ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हर पार्टी लाहित है नौजवानों को लाने के लिए, लेकिन जब देश ही नौजवान का बन गया है तो उनके साथ कनेक्ट करने के लिए, उनकी भावनाओं को समझने के लिए, उनकी एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस, सेंसिटिविटीज़ क्या हैं, उसको जानने समझने के लिए युवा नेताओं की तलाश हर पार्टी कर रही है। लेकिन इस बात को कहने मुझे कोई संकोच नहीं है कि आज ये बातें पार्टियां करती हैं, लेकिन आज से 12 साल पहले, 10 साल पहले सिर्फ मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी जिसने ना सिर्फ मैं लेकिन मुझ जैसे दर्जनों लोगों को बात कर बुलाया और हमसे पूछा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, हम मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं, उसमें क्या डालना चाहिए, आपकी युवाओं की सोच क्या है,
आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हो, हम लोगों को तब इन्वॉल्व किया। और मुझे इस बात को बोलने में कोई संकोच नहीं है कि राहुल गांधी जी सिर्फ कांग्रेस में भारी नहीं है, वो देश भर के लिए भारी पड़ गए हैं, हर पार्टी के लिए पड़ गए हैं। इसलिए क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी है कि उनको कोई बांध नहीं सकता। हर व्यक्ति की कोई समाज है, कोई धर्म है, कोई प्रांत है, कोई जाति है, वहां तक सीमित रह जाता है। बड़े से बड़े नेता देखे हैं मैंने, अपने इलाके के शेर हैं, लेकिन वहां से दो कदम बाहर चले जाएं तो कोई सुनने देखने नहीं जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जहां पे लोगों का आकर्षण हो, जो इन बाधाओं से लांघकर बाहर निकला हो और वो हर जो बांटने वाली फॉल्ट लाइंस होती हैं उसको क्रॉस कर सके, और अंत में आप और मैं कुछ भी कहें, जहां जनता वोट देगी, जहां लोग चाहेंगे वहां जाएंगे। प्रजातंत्र इतना मजबूत हमारे यहाँ हो चुका है कि किसी के कहने से, डराने से, समझाने से वो बात मानने वाला नहीं है। जो व्यक्ति चाहेगा उसके प्रति उसकी आस्था रहेगी। और हम लोगों को उनके साथ काम करने का मौका मिला, और मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं पिछले 10 साल में मुझको जैसा लीडर मिला है, मैं अपनी बात कहने में, करवाने में और बोलने में कुछ संकोच नहीं करता हूं। बाकी दलों मैंने देखा है कि कोई नेता खड़ा हो उनका तो बैठने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं वो लोग। इस प्रकार का वहां पर एक माहौल उत्पन्न हुआ है। वो उनकी अपनी फ्रीडम है, अपनी चॉइस है कैसे नेता को चुने, लेकिन मुझे इस पार्टी में काम करने का मौका मिला। 26 साल की उम्र में मुझे पार्टी ने मौका दिया, मैं पार्लियामेंट में पहुंचा आज से 8-9 साल पहले। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी जिम्मेदारी, इतना विश्वास मुझ पर मेरी पार्टी ने किया, इसलिए आज यहाँ बैठकर मैं इतनी लंबी लंबी बातें कर सकता हूँ। और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक तो आपको मौका मिलना चाहिए, दूसरा आप अपने आप को प्रूव अगर नहीं कर पाएंगे तो कोई कितने भी मौके दे दे आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसा रणदीप बोल रहे थे, अगर आपका मन और रुचि किसी काम में नहीं है तो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन सचिन, प्रूव तो आपने किया है अपने आप को। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपकी तरह तमाम युवा नेता अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, लेकिन सबको मालूम है कि उनकी सीमा कहाँ है, ग्लास सीलिंग कहाँ के खत्म होती है। तुलना गलत है, क्योंकि मैं अपनी सीमा जानता हूँ, मैं जानता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। और जो व्यक्ति अपना सेल्फ असेसमेंट बहुत ज्यादा करता है वो कभी कामयाब नहीं होता। तो जितना क्षमता है, जो सोच है, जो लिमिटेड मुझे करना है मैं जानता हूँ, और उसमें 100% लगन के साथ मैं करता हूँ। और मैं, आपने बहुत अतिशोक्ति कर दी थी कि आप भारत बदलना चाह रहे हैं देश, मैं तो अपने काम में अगर 1% भी इस देश के लिए कुछ पॉजिटिव कर सकूं तो मैं तो उसको अपनी अकॉम्पलिशमेंट मानूंगा। भारत बदलना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, मेरे बस की भी नहीं है, लेकिन उसमें योगदान हम कर सकते हैं। 0.5% अगर बदलाव लेकर आ गए तो जीवन सफल है इंसान का। चलिए एक और सवाल, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें, वो है कि आप एक सीमा रख रहे हैं और किसी को एक दर्जा दे रहे हैं, वो सब ठीक है, पर कल क्या होगा, फेट क्या है? फेट एक बहुत बड़ी चीज है, वो लक एक फैक्टर, स्पेशली मूवीज में बहुत बोला जाता है, एक लक एक फैक्टर होता है, आपका फेट होता है, आपके रिटर्न होता है, आप उसको नहीं बदल सकते हैं। तो अगर सचिन जी के फेट में है, उनकी तकदीर में है, उनकी चेष्टा में है, तो आप इनको किसी से छोटा या कंपेरिजन में कुछ बोल नहीं सकते। आई थिंक यू नॉट सीन टुमारो येट, एंड वो सबसे बड़ी युवा स्ट्रेंथ वही होती है कि आपने कल नहीं देखा है, पीछे मुड़ के अगर आप देख के चलते रहे तो वो काफी नहीं है, कल क्या पता क्या हो जाए। प्रबल जी, सचिन मेरा आपसे सवाल है, आप तीनों लोग उस इलाके को बिलोंग करते हैं जो सबसे अधिक खाप पंचायतों के प्रकोप झेल रहा है। सुरेश रैना से मैं उम्मीद नहीं करूंगा और रणदीप हुड्डा से, क्योंकि वो कलाकार हैं, आप पॉलिटिशियन हैं और एज ए युवा पॉलिटिशियन मैं आपकी कदर करता हूँ। खाप पंचायतों पर आपका नजरिया क्या है, और अगर नजरिया, क्योंकि ये खाप पंचायतें ना केवल युवा विरोधी हैं, ये मानवाधिकार विरोधी भी हैं, और आपका अगर इनसे विरोध है तो आपने इन खाप पंचायतों को खत्म करने के लिए क्या सार्थक कदम उठाए? देखिए, खाप पंचायत एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सदियों पुराना है, लेकिन फिलहाल के दिनों में हमने देखा है कि वो कुछ ऐसे फरमान जारी करने का काम करते हैं जो ना सिर्फ संविधान से परे हैं लेकिन कानून के बाहर भी हैं। और ऐसी कोई भी खाप पंचायत हो, मुझे तो खुशी इस बात की कि मेरे क्षेत्र में ऐसी कोई पंचायतें नहीं होती, लेकिन जहाँ पर भी होती हैं अगर कानून का उल्लंघन करते हैं, मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं और इस प्रकार की बातें बोलते हैं जो देश को पीछे ले जाने वाली हैं, सामाजिक दबाव बनाना, लोगों पर जुर्माना लगाना, और कई बार तो ऐसी बेतुकी बातें सामने आती हैं कि विश्वास नहीं होता कि ऐसे जमाने में लोग इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। सामाजिक संतुलन बनाना, लोगों को इकट्ठा रखना, खाप पंचायतें पहले से करती आई हैं, एकता, यूनिटी, वो प्रदर्शन करना जरूरी है, होना भी चाहिए, क्योंकि सारा काम कानून से नहीं हो सकता, सारा काम पुलिस प्रशासन नहीं कर सकता, समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन वो काम वैसा करें जो सकारात्मक हो। लेकिन अगर कहीं ऐसा काम होता है जो शोभा नहीं देता, जो नौजवानों को या बाकी लोगों की बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, तो ऐसे
निर्णयों को हमें ना सिर्फ नकारना चाहिए लेकिन इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार के लोग अपना जो वर्डिक्ट है वो इस तरह फैलाए ना और इसको सिरे से नकारना चाहिए। इसमें कोई विवाद होने वाली बात ही नहीं है, इसमें जो सही है उसको बोलने की क्षमता, बोलने की ताकत हर व्यक्ति को रखनी चाहिए। रणदीप, आप इस पर अपनी राय देना चाहेंगे? हाँ, मैं उन्होंने बोला कि मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं कलाकार हूं, पर मैं भी हरियाणा का ही हूं और मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको मेरी अंडरस्टैंडिंग, मैं किसी के ऊपर स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो खाप पंचायत का जो प्रचार है, मैंने जितना इसके बारे में पढ़ा है कि जो गोत्रों के बीच की जो शादी का जो पूरा एजेंडा उन्होंने उठाया था वो एक सामाजिक तौर पे वो सही है क्योंकि वो इन ब्रीडिंग, क्योंकि जाट जो ट्राइब्स हैं वो सेम ट्राइब्स हैं, सेम ब्लड लाइन है, उनके अंदर इन ब्रीडिंग ना हो इसीलिए ये रूल पहले रखा गया था। अब पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है तो उसके पहले तो दादी के गोद से भी शादी नहीं कर सकते, चलो अभी वो कर सकते हो, तो उसके हिसाब से उसमें चेंजेस आए हैं। पर जो उनका जो तरीका है उनको करने का, जो तरीका है अपने लॉज इंप्लीमेंट करने का, वो बिल्कुल गैर कानूनी है, वो बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए। पर वो जो कह रहे हैं स्पेशली अबाउट द जो गोत्रों के बीच की जो शादी की बात है वो इनब्रीडिंग बचाने के लिए है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो खाप का जो कॉन्सेप्ट है वो सदियों पुराना है, अभी उसको आप लोगों ने भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है और क्योंकि वो मुद्दा बन रहा है उसके अंदर पॉलिटिकल एडवांटेज आ रही है तो सब लोग उसको या तो सपोर्ट कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो आई थिंक मेन बात यही है कि देयर पॉइंट दैट दे ट्राइंग टू मेक इज करेक्ट बट देयर वेज आर रॉन्ग एंड दैट शुड नॉट बी अलाउड एट ऑल। सुरेश, आपको भी बोलने से इस मसले पर प्रबल ने आपको बाहर रखा था, लेकिन मैं आपसे एक इससे थोड़ा सा अलग हटके सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ। ऐसा क्यों होता है, क्या ये इत्तेफाक है कि टीम इंडिया के अंदर जब कोई खिलाड़ी आता है और डेब्यू कर लेता है, कुछ अच्छा कर लेता है, उसके बाद अचानक होता है कि वो फलां से शादी करना चाहता है, उससे पहले माँ बाप का डर ज्यादा रहता है? यानी जो एक युवा एम्पावरमेंट है यहाँ कुछ अलग अंदाज में नजर आता है। हाल में चेतेश्वर पुजारा को हमने देखा, सौरव गांगुली की कहानी तो खैर बहुत पुरानी है। मेरा तो ऐसा कुछ नहीं, अभी ये मुझे पता है, दूसरों का पता नहीं, लेकिन एक बात है कि अभी काफी क्रिकेटर शादी कर रहे हैं। अभी मैं आरपी की शादी में भी गया था, रिसेप्शन में गया था, सॉरी शादी में तो नहीं जा पाया था, मेरे पे मैच खेल रहा था, तो अभी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है क्योंकि लाइक ऐसे डर लिया पैसा आ रहा है तो शादी भी कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं हॉलीडे के लिए, तो ये सीजन शादियों का है और काफी सारी शादियां हो रही आजकल। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि क्रिकेटर्स के जो लाइफ है, जैसे सचिन ने भी बोला पहले कि 35-34, अभी सचिन के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के लिए, लेकिन वो 194 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं और 6 टेस्ट मैच और खेलेंगे तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। वर्ल्ड के ऐसे पहले क्रिकेटर हो जाएंगे जो 200 टेस्ट मैच खेले हैं और उनके ऑलरेडी इतने सारे रन बना चुके हैं वो। तो शादी एक पर्सनल रीजन है उनका, जो लगता है कि वो मेंटली प्रिपेयर हैं अपने आप से, उनका फैमिली रेडी है शादी के लिए, तो कर लो कभी। और एक आखिरी सवाल कंक्लूड करने के लिए सेशन, और सर मैं नलिन कोहली हूँ और मेरा सवाल आपसे रहेगा। सचिन जी, आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और आशा करता हूँ आप आगे भी सफलता लें। दो प्रश्न है मेरे, एक व्यक्तिगत एक थोड़ा राजनीतिक। व्यक्तिगत सवाल यह है कि चुनाव लड़ना आसान नहीं है और देखते हैं कि परिवार से अगर आप हैं, अगर आपके जैसे पिता थे तो क्या आपको उसमें फायदा मिलता है और किस हद तक मिलता है, अल्टीमेटली एक आधा बार मिलता है, तो मैं उस पर जानना चाहूँगा। और राजनीतिक सवाल है क्योंकि राहुल गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता हैं और सर्वव्यापी देश में जाते हैं, तो गुजरात में कब जाने वाले हैं? पहला सवाल आपका कि कितनी एडवांटेज मिलती है व्यक्ति को, निश्चित रूप से मिलती है। अगर कोई कहता है कि उसको उसके फैमिली में बिलोंग करने का एडवांटेज नहीं मिलती तो वो गलत बोलते हैं। कितनी मिलती है ये डिपेंड करता है, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है नलिन जी वो ये है कि आप अगर किसी परिवार के सदस्य हैं जो राजनीति में सक्रिय पहले से है तो ये बात भी आप मान लीजिएगा कि आपकी तुलना होगी आपके फादर से, मदर से, दादा दादी जो भी थे, और तुलना में आमतौर पर मैंने देखा है कि आपको कम से कम उतना परफॉर्म करना पड़ेगा और एडवांटेज तभी मिलती है अगर उस परिवार ने कुछ किया है तो एडवांटेज है।
एडवांटेज है तो कंपैरिजन है, कंपैरिजन है तो फिर आपको कम से कम वहां तक परफॉर्म करना है, उसे ज्यादा करना है, क्योंकि आलोचक बहुत होते हैं लोग, सीधा मानवता ये इंसानियत है कि आप देखिए तो आप कंपेयर करते हैं कि भाई पिताजी थे, चाचा थे, ताऊजी थे, ये ऐसे हैं, तो कंपैरिजन में उस आपको कम से कम वहां तक डिलीवर करना पड़ता है। और एडवांटेज मुझे लगता है कि सिर्फ बिगनिंग में होती है, शुरुआत में एक पहचान मिलती है, एक दरवाजे के अंदर आपका पैर जरूर पहुंच जाता है, उसके बाद आप परफॉर्म कैसा करते हैं, आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, और वो एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई होती हैं, कोई आम आदमी राजनीति करे तो उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं लोग, लेकिन कोई फैमिली का होता है तो निश्चित रूप से, और ये इसमें कोई गलत नहीं है, आपको डबल काम कर प्रूव करना पड़ता है। तो एडवांटेज मिलती है, निश्चित मिलती है, लेकिन सिर्फ शुरुआत में मिलती है, उसके बाद लोग आपकी अपनी कार्यकुशलता पर, आपकी काबिलियत पर लोग आपको वोट देते हैं नहीं देते हैं। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो लोग पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश करी लेकिन ऐसा मुंह मोड़ा लोगों ने कि वहां दोबारा जाने की हिम्मत नहीं कर सके। तो ये अलग अलग इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, गुजरात के चुनाव दो चरणों में हैं और दोनों चरणों के प्रचार में पूरी तरह न सिर्फ राहुल गांधी जी जाएंगे, सोनिया गांधी जी जाएंगी, मैं जाऊँगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जाएगा और ईंट से ईंट बजाकर आपको दिखाएंगे, अरविंद जी देख लीजिएगा आप। बहुत सारे लोग और सवाल पूछना चाहते हैं लेकिन माफ कीजिएगा कि इस सत्र में वक्त इतना ही है, बस इतना कहा जा सकता है कि हमने एक सवाल पूछा था, यंगिस्तान में कितना दम है, और कम से कम हमारे मंच पे यंगिस्तान का जो वर्ग यहां पर मौजूद है उसमें बहुत ज्यादा दम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस मंच पर हमारे साथ आकर अपनी राय बांटने के लिए। धन्यवाद श्वेता, धन्यवाद सचिन, धन्यवाद रणदीप आपका भी, और धन्यवाद सुरेश। हम मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर राइज ग्रुप के CMD राहुल गौर जी को एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार भेंट करने के लिए। तालियां कहां खो गई, कहीं या घर छोड़ के आ गए आज आप लोग।